चाय हम सबको पसंद होती है। चाय से बिस्किट्स खाए जाते हैं, पकोड़ा खाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय के साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए, जिससे आपका हाजमा बिगड़ जाता है। देख रहे हैं आप मेरे साथ जीवन आयुर्वेदा, और मेरा तो काम ही यही है आपको ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताना। वीडियो में आखिर तक बने रहे, पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। चाय भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोग चाय के साथ कई प्रकार के नाश्ता और खाने की चीजें खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें चाय के साथ नहीं खा सकते, क्योंकि ये पाचन में असंतुलन पैदा करते हैं, साथ ही सेहत को कई और रूप से भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए चाय के साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना, ये जानना बेहद जरूरी है। पहला, बिस्किट और रिफाइंड चीनी। बहुत ज्यादा चीनी और मैदा युक्त बिस्किट चाय के साथ खाने से शरीर में ज्यादा चीनी का संचय हो सकता है, जिससे आपका शरीर ज्यादा इंसुलिन पैदा करेगा। यानी आप बहुत ज्यादा मीठे बिस्किट बिल्कुल भी ना खाएं, और मैदे से बने बिस्किट ना खाएं, इसकी जगह आप आटे के बिस्किट्स खा सकते हैं। अचार। चाय में टैनिन होता है और अचार में अधिक तेल और नमक होता है, जो चाय के साथ पेट में जाकर जमा हो जाता है और पेट में असहजता महसूस करता है। चाय और दही। जैसा कि आपको बताया है, चाय के अंदर टैनिन होता है और दही के प्रोटीन के साथ ये जकड़ लेता है, इससे आपकी पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। कुछ फल हैं ऐसे जैसे संतरा या फिर एसिडिक फल, ये आप चाय के साथ ना खाएं, ये पेट में असहजता पैदा करते हैं। इन फलों को आप चाय पीने से लगभग एक घंटा पहले खा लें अगर आपको खाने हैं, ना तो इन्हें तुरंत पहले खाएं ना तुरंत बाद में खाएं। बहुत ज्यादा मीठा या तीखा खाने से पेट में असहजता हो जाती है, खासकर जब आप इसे गर्म चाय के साथ लेते हैं। ऐसा कुछ ना खाएं जिसके अंदर बहुत ज्यादा गर्म मसाला हो या बहुत ज्यादा चीनी हो। इसके अलावा हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और किसी भी खाद्य पदार्थ की प्रतिक्रिया में व्यक्तिगत अंतर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज के खाने से आपको समस्या हो रही है तो आप उसे ना खाएं। अगर खाने के बाद समस्या हो तो फिर डॉक्टर को जरूर दिखाएं। वैसे आपको क्या खाना है, कौन सी चाय पीनी है, क्या चीज चाय के साथ खानी है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देना है, ताकि इस जानकारी की मदद से अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो ना करें।